अब हम देखते हैं इस अध्याय के अगले प्रश्नावली को। तो प्रश्नावली दो का प्रश्न है, दिए गए त्रिकोणमिति समीकरणों को हल कीजिए, जहां 0° से बड़ा बराबर थीटा, थीटा से बड़ा और बराबर 90° है। तो इसका पहला प्रश्न है 2cos² θ माइनस करनी 3cos θ बराबर 0। तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, इस प्रश्न में हमें इस प्रश्न में थीटा का मान ज्ञात करना है। तो इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे 0° से बड़ा बराबर क्या है, थीटा है, थीटा से बड़ा और बराबर क्या है, 90° है। तो 90° तक के हमें जाना है, ठीक है, 90° से आगे हमें नहीं बढ़ना है। तो अब इसको हल करते हैं। तो 2cos² θ माइनस करनी 3cos θ बराबर 0। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी कॉस है और यहाँ भी कॉस है, यहाँ पे वर्ग में, यहाँ पे कॉस थीटा बस दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में, अगर दोनों पदों में कॉस थीटा है तो हम क्या करेंगे, कॉस थीटा को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये रहा कॉस थीटा, बाहर निकल गया। अब बचा क्या, तो देखो यहाँ पे 2 बचा है और यहाँ पे वर्ग से हमने क्या निकाला था, 1cos θ को निकाला, तो 1cos θ बचा है। फिर इस वाले पद में देखो क्या बचा है, यहाँ से कॉस थीटा तो बाहर आ गया है, तो यहाँ पे बचा क्या, करनी 3 बचा है बराबर 0। अब इसको हल करने के दो स्थिति है। तो स्थिति वन देखते हैं, स्थिति वन क्या है, देखो कि कॉस थीटा को एक बार लेंगे हम लोग, तो कॉस थीटा और क्या लेंगे, 0 को लेंगे। और अगर स्थिति दो देखेंगे तो एक बार इसको लेंगे और एक बार इसको लेंगे और 0 को लेंगे। तो पहली स्थिति में देखते हैं, तो पहली स्थिति है कॉस थीटा बराबर 0 ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखो आपके साइड में आपको टेबल दिखाई दे रहा होगा, एक चार्ट दिखाई दे रहा है। तो कॉस 0 कितने अंश के मान में आता है, तो कॉस 0 आता है कॉस 90° के मान में। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कॉस थीटा बराबर कॉस 90°, ठीक है, क्योंकि कॉस के श्रेणी में देख रहे हैं, इसलिए ये कॉस 90° के मान में आता है 0, तो ये कॉस 90° हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, दोनों में कॉस कॉस दिखाई दे रहे हैं, तो दोनों में कॉस कॉस है, तो ये कॉस कर दिया, ये कॉस कर दिया। अब बचा क्या है, तो देखो ये थीटा बचा और 90°, तो थीटा बराबर 90°, तो थीटा का मान कितना प्राप्त हो गया हमें, 90°। अब दूसरी स्थिति को देख लेते हैं, स्थिति दो को भी हल करना है हमें। तो स्थिति दो में क्या है, कि स्थिति दो में है 2cos θ माइनस करनी 3 बराबर क्या लेना है, 0। तो 2cos θ और ये उस पार चला जाएगा, करनी 3 तो माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, उस पार जाके प्लस में हो गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 भी है इसके साथ, 2 संख्या है और ये भी संख्या है, तो ये संख्या वाले पार में चला जाएगा, जिस पार करनी 3 है उसी पार में। तो ये उस पार जाके कहाँ पे जाएगा, तो उस पार जाके ये नीचे में जाएगा। तो तिरिया गुड़ा करने पर आप लिख लेना, उसके बाद इसको नीचे में लिखेंगे। तो लिखो cos θ बराबर करनी 3/2। अब देखो करनी 3/2 जो है वो कॉस के कितने अंश मान में आता है, तो ये आता है कॉस थीटा, यहाँ पे साइड पे देखो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है, वहां पे कॉस 30 अंश के मान में दिखाई दे रहा है, तो ये आ गया कॉस 30 अंश। अब देखो यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, इसको काट दो, तो बचा कितना, थीटा बराबर 30 अंश। इसको बगल में देख लेते हैं, तो थीटा बराबर 30 अंश प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे लिखो, अतः थीटा बराबर 30 अंश और 90° प्राप्त हुआ, यही क्या है हमारा आंसर है। ठीक, समझ में आया। और देख लेते हैं, और कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसमें से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। दूसरा है, 2sin²θ माइनस cos θ बराबर 1 दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, इसको भी थीटा के मान के लिए हल करेंगे। तो यहाँ पे लिख लो थीटा के मान के लिए, तो यहाँ पे हमें लिखना है 0° से बड़ा बराबर थीटा से बड़ा बराबर 90°। अब इस प्रश्न को देखें, तो यहाँ पे देखो 2sin²θ माइनस cos θ बराबर 1 है, तो यहाँ पे sin θ, देखो sin²θ दिया हुआ, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम 2 1 माइनस cos²θ लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसको चेंज कर लिया और ये cos θ बराबर 1, ये कैसे आया, तो यहाँ पे आपको बताना है कि sin²θ बराबर होता है 1 माइनस cos²θ होता है। तो जहां पे sin²θ था वहां पे हमने क्या रख लिया, 1 माइनस cos²θ
थीटा रख लिए। अब इस दो का अंदर गुणा कर देते हैं, तो ये हो गया दो माइनस, फिर दो के साथ इसका गुणा करें, दो कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस कॉस थीटा बराबर एक। अब जो एक है इसको इस पार ला लेते हैं, तो यह ये क्या है, यहाँ पे दो दिया हुआ है, ये दो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये भी इस पार आ गया, तो क्या हो जाएगा, माइनस एक हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा क्या, जीरो। देखो यहाँ पे माइनस एक है और यहाँ पे प्लस दो है, तो प्लस दो और माइनस एक घट के कितना प्राप्त हो गया, एक प्राप्त हो गया, ये हो गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो गया कॉस थीटा बराबर जीरो। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि दोनों में मतलब सिर्फ इसी में प्लस और माइनस कॉस करेंगे, तो ये हो गया टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दिया हुआ है, तो एक बार प्लस कॉस थीटा लेंगे और एक बार माइनस कॉस थीटा लेंगे, तो ये इस तरह से देखो प्लस और माइनस कॉस थीटा मिलेगा। अगर हम इसको हल करें तो देखो ये कट के वापस हमें वही मान प्राप्त हो जाएगा, कट के जीरो प्राप्त हो, इसलिए इसको प्लस और माइनस में यहाँ पे हमने इसको लिया है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो जो माइनस माइनस है वो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएगा, तो जोड़ दो इसको, तो वन माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये भी माइनस में है तो ये माइनस टू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर जीरो, तो वन माइनस, अब यहां पे देखो जोड़ा, देखो देखो यहां पे और यहां पे दोनों में है कॉस कॉस दिखाई दे रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, कॉस को बाहर निकाल लेंगे, तो निकाल लो, तो ये आ गया कॉस थीटा बाहर हो गया, बचा क्या अंदर में, बचा है अंदर में, और देखो यहाँ पे दो भी है दोनों में, तो दो भी बाहर निकाल लेते हैं, तो दो इसमें भी है, इसमें भी दो है, दो दोनों से बाहर निकल गया, कॉस थीटा भी बाहर निकल गया। अब यहाँ पे देखो कॉस का वर्ग है, तो यहाँ पे बचेगा क्या, कॉस थीटा बचेगा, और माइनस भी हमने बाहर निकाल लिया है, तो सभी मान क्या हो गए, कोष्टक के अंदर वाला मान सभी के सभी प्लस में आएंगे, और यहाँ पे क्या बचा है, अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मतलब एक बचा हुआ है, ये इतना आ गया, फिर प्लस कॉस थीटा बराबर जीरो, इस एक को इस साइड में ला लेते हैं, तो यहाँ पे है माइनस दो कॉस थीटा प्लस एक प्लस कॉस थीटा प्लस वन, इसको भी कोष्टक में लेते हैं बराबर जीरो। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ भी कॉस थीटा है और यहाँ भी कॉस थीटा एक है, तो इसको भी दोनों से बाहर निकाल लें, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस एक, और जो अलग है उसको हमें कैसे लिखना है, उसको हमें अगले वाले कोष्टक में लिखना है जो बचा हुआ है, तो ये देखो इसमें प्लस में है और ये माइनस में, तो हम प्लस को एक को यहाँ पे लिख लेते हैं, माइनस को पीछे लिखते हैं, तो दो कॉस थीटा बराबर जीरो, ठीक यहां तक समझ में आ गया। अब आगे हल कर लेते हैं, तो देखो इस यहाँ पे दो स्थिति प्राप्त हो रहा है, पहली स्थिति कॉस थीटा प्लस वन बराबर जीरो लेंगे, और दूसरी स्थिति वन माइनस टू कॉस थीटा बराबर जीरो लेंगे, तो इसको पहले लेके हल करते हैं, तो स्थिति वन को, तो ये हो गया कॉस थीटा प्लस एक बराबर जीरो, तो ये जो एक है उस पर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये उस पर चला जाके उस पर जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक। अब देखो क्या माइनस एक कॉस थीटा के मान में, मतलब कॉस थीटा के अंश के मान में आता है, तो माइनस एक कॉस थीटा के अंश में मान नहीं आता है, तो ये क्या हो गया, यहीं तक के होगा, इससे आगे ये नहीं बढ़ सकता, तो यहां से हमें स्थिति वन में थीटा का मान हमें प्राप्त नहीं हुआ। अब हम देख लेते हैं स्थिति टू को, स्थिति दो में देखते हैं, स्थिति दो क्या है, वन माइनस दो कॉस थीटा बराबर जीरो, तो ये जो एक है उस पर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उस पर जाएगा सॉरी एक को नहीं, ये देखो माइनस वाला संख्या है ना, माइनस वाले को ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, दोनों प्लस में आ जाएगा, तो वन और ये उस पर चला जाएगा, माइनस वाला जो ये पूरा मान है, तो ये सभी के सभी किस में आ जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे, टू कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखो जो दो है वो इस पार आ जाएगा, संख्या है ये, संख्या ये भी संख्या है, तो अगर इस पार आएगा तो क्या होगा, तिरिया गुड़ा के रूप में वहां इस पार आएगा, तो तिरिया गुड़ा मतलब ऊपर का मान नीचे और नीचे का मान ऊपर, तो ये ऊपर में है, तो कहाँ पे आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा, वन अपान दो बराबर यहाँ पे क्या बचा, कॉस थीटा बचा। अब देखो कॉस, कॉस के कितने अंश मान में एक बटे दो होता है, तो ये होता है कॉस, कॉस के साठ अंश मान में, तो यहाँ पे लिखो कॉस साठ अंश बराबर कॉस थीटा। अब ये देखो कॉस कॉस है दोनों में, तो ये कट गया, ये कट गया, कट गया, तो थीटा बराबर क्या प्राप्त हुआ, 60 अंश, यही हमें निकालना था, तो ठीक है थीटा बराबर 60 अंश प्राप्त हुआ। अब देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक तीन को, प्रश्न क्रमांक तीन है
तीन टेन स्क्वायर थीटा बराबर दो सेक स्क्वायर थीटा प्लस एक को हल करो। तो इसको भी हमें क्या करना है, थीटा के मान के लिए हल करना है। ये क्या है, तीन टेन स्क्वायर थीटा बराबर दो सेक स्क्वायर थीटा प्लस एक। इस सेक स्क्वायर थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, तो सेक, तो यहाँ पे पहले इसको लिख लेते हैं, तीन टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस एक, कोटक बंद फिर प्लस एक। तो ये कहां से आया, तो ये आया सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, जहां पे सेक स्क्वायर है वहां पे हमने वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा रख लिए। अब इसको दो को अंदर गुणा कर दो, तो ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे जब अंदर दो को गुणा करेंगे तो दो प्लस ये हो जाएगा दो टेन स्क्वायर थीटा प्लस एक। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं और ये वाला जो मान है इसको इस पार ला लेते हैं, तो ये वाला मान जो है टू टेन स्क्वायर थीटा इस पार आएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस टू टेन स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे क्या बचा, दो और एक कितना हुआ, तीन हुआ। यहाँ पे देखो ये माइनस में ये प्लस में घट गया, तो कितना बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर तीन। अगर हम टेन स्क्वायर से अगर स्क्वायर को अगर हम हटा दें तो क्या बचेगा, टेन थीटा बराबर बचेगा तीन, और ये हो जाएगा करनी यहाँ पे लग जाएगा। जब वर्ग हटाते हैं तो उसके जस्ट विपरीत मान में क्या हो जाता है, जो बराबर के ऊपर उसमें अंडर रूट लग जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे करनी तीन लग गया। अब देखो टेन के कितने अंश मान में करनी तीन आता है, तो टेन के 60 अंश मान में करनी तीन आता है। देखो साइड पे दिया हुआ है टेन थीटा बराबर टेन 60 अंश, तो ये है देखो टेन और टेन कट गया, तो थीटा बराबर कितना प्राप्त हुआ, 60 अंश। तो ये हमारा आंसर है। ठीक, समझ में आया, बाकी प्रश्नों को हम अगले पार्ट में देखेंगे।